तो आज मैंने बैड एज रवि कुमार का ट्रेलर देखा जो कि वाकई काफी ज्यादा बैड था। और इस ट्रेलर को देखने के बाद एक बात सिद्ध हो चुकी है कि ना तो अब बॉलीवुड के पास दिखाने के लिए अच्छा कंटेंट बचा है और ना ही अच्छी शक्लें। ये क्या बात करता है यार। और सबसे ज्यादा तारीफ मैं हिमेश रेशमिया के कॉन्फिडेंस की करना चाहूंगा, मतलब इतनी सारी फ्लॉप देने के बाद भी ये बंदा खुद को पर्दे पर लाने से पहले एक बार भी नहीं शर्माता। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा एक्शन और एक्शन। हाँ, एक चीज और देखने को मिलेगी आप लोगों को इस फिल्म में, वो है काइन मास्टर वाला ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। तो भैया पूरे साल रियलिटी शो को जज करने के बाद हिमेश रेशमिया जब ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तब वो ऐसी फिल्में लेकर आते हैं कि उनके टीजर को देखकर भी आंखों से उल्टी आ जाए। और तब भी अगर पैसा बच जाता है तब वो रोड से उठाकर किसी को भी सिंगर बना देते हैं। तो यार भारत में हर साल बहुत सी फिल्में बनती हैं जिनका बजट लगभग 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए तक होता है। और अगर फिल्म एसएस राजामौली सर की हो तो ये बजट बढ़कर 500 करोड़ रुपए तक चला जाता है। पर क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया की सबसे महंगे बजट की फिल्में कौन सी है? यूनिक फैक्ट आपके लिए हमेशा कुछ नया और यूनिक लेकर आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो अगर बात करें दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों की तो नंबर 5 पर आती है डीसी की जस्टिस लीग जिसका बजट 300 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2100 करोड़ रुपए था। नंबर 4 पर आती है मार्वल की इन्फिनिटी वॉर जिसका बजट लगभग 325 मिलियन डॉलर यानी कि 2300 करोड़ रुपए था। नंबर 3 पर आती है द एवेंजर एंड गेम, इसका बजट लगभग 356 मिलियन डॉलर यानी कि 2450 करोड़ रुपए के बराबर था। और अगर बात करें नंबर 2 की तो इस पर नाम आता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का जिसका बजट लगभग 365 मिलियन डॉलर यानी कि 2600 करोड़ रुपए के बराबर था। और अगर बात करें नंबर 1 की तो उस पर आती है की सबसे महंगी फिल्म द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइन, इस फिल्म का बजट लगभग 380 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2700 करोड़ रुपए था। तो यार ये तो आप लोग जानते ही हो कि इस समय उर्वशी रोतेला और ऋषभ पंत की मोहब्बत के चर्चे पूरी इंडिया में हो रहे हैं और इस चक्कर में ये काफी ज्यादा ट्रोल भी हो चुके हैं। उर्वशी रोतेला कहती है कि वो मिस्टर आरपी यानी कि हमारे ऋषभ भैया से सच्ची मोहब्बत करती है। वहीं ऋषभ पंत का कहना है कि बहन मेरा पीछा छोड़ दे। क्या बात करता है यार। जब इनके ये ट्वीट वायरल हुए तो इनके प्यार की चर्चा इतनी बढ़ गई कि अब लोग इन्हें सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि मुंह पर ही ट्रोल कर रहे हैं और इन्हें एक दूसरे के नाम से इस तरीके से चिढ़ा रहे हैं जैसे कि स्कूल के लड़के अपने दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड के नाम से चिढ़ाते हैं। वैसे बुला रही तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या उर्वशी रोतेला हमारे ऋषभ भैया का पीछा छोड़ेगी या फिर नहीं? और ऐसे ऐसे झमेले निकाल कर आप सबके सामने लाते हैं तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? उर्वशी बुला रही।